हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज इसी कड़ी के अंदर हम आपको नई नई ट्रिक्स बताने के लिए आज अपन पढ़ेंगे माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट के, इंसेक्ट के अंदर किस किस प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं कि माउथ पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट में कौन किस प्रकार का माउथ पार्ट पाया जाता है। यह क्वेश्चन मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर से भी अधिकतर मोस्ट बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आपका समय ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। तो सबसे पहले तो कि माउथ होता क्या है, जो फूड को अपटेक करता है उसे क्या बोलते हैं, माउथ, है ना। तो इसके अंदर होता क्या है कि माउथ पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है। एक तो होता है लेब्रम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एक तो होता है लेब्रम, एक होता है ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ए पेयर ऑफ मैक्सिली, और एक लेबियम, और एक हाइपोफिनेक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो उसके अंदर होता है लेब्रम में और लेबियम में। तो मैंडिबल और मैक्सिली तो एक एक जोड़ी पाई जाती है, ये तो कन्फर्म याद हो जाता है कि मैंडिबल होता है और मैक्सिली होती है। तो लेकिन कई बार कंपटीशन एग्जामों में होता क्या है कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि लेब्रम ऊपर वाला लिप्स है या लेबियम ऊपर वाला लिप्स है। तो इनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम आपका कन्फ्यूज़न एकदम दूर कर देते हैं। तो आपको पता है इसे लेब्रम, यानी कि लेबर आ रहा है ना, एल ए बी आर, लेबर, लेबर पढ़िए और लेबर से कोरिलेट कीजिए कि आज वाली लेबर है उसको अपन क्या करते हैं कि सिर पे उठा के रखना पड़ता है, कि वो कुछ भी बोलेगा वो करना पड़ेगा, चाय के लिए बोलेगा चाय ला के देनी पड़ेगी, नाश्ते के लिए बोलेगा और नखरी ओवर करेगा ऊपर से। तो आज की जो लेबर है वो ऊपर है, पहले की जैसे थोड़ी है कि कुछ भी बोल दिया कर लिया। तो ऊपर से याद रखना फ्रेंड्स कि ऊपर वाली लिप की लेबर होगी वो ऊपर रहेगी, तो ऊपर वाली लिप हो जाएगी लेब्रम से। और ये मैक्सिली और मैंडिबल याद हो ही जाएंगे, और लेबियम ऑटोमेटिकली, अगर लेब्रम ऊपर वाला है तो लेबियम शोर सी बात है ये नीचे वाला हो ही जाएगा। और हाइपोफिनॉक्स पता ही है आपको कि ये होती है टंग, मतलब कि जीभ, इसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं कि अपन पढ़ते हैं कि माउथ पार्ट्स ये किस प्रकार के, ये माउथ पार्ट हो गए, अब पढ़ते हैं अपन किस किस टाइप के, किस किस इंसेक्ट में पाए जाते हैं। एकदम शानदार ट्रिक्स। मोस्ट कॉमनली तो ये पांच प्रकार के ही होते हैं कि जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं, इनके अंदर नॉर्मल रूप से पांच, वैसे तो ये सात, दो अदर टाइप के भी होते हैं, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर चांस होते हैं या जो हाई लेवल के होते हैं, पर मेनली तो ये पांच के अंदर से ही पूछे जाते हैं। और अगर मॉर्फोलॉजी में से क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर ज़रूर आएगा इंसेक्ट के बारे में से। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का माउथ पार्ट होता है वो किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बाइटिंग का मतलब होता है काटना और चेविंग का मतलब होता है चबाना। तो काटने चबाने, आपने ग्रास ऊपर तो देखे होंगे, कॉकरोच भी देखे होंगे, कुचुर कुचुर आवाज़ आती रहती है उनकी, तो वो कुछ भी खाते हैं तो वो काटते भी हैं और चबाते भी हैं। तो ग्रास ऊपर देखते ही याद आ जाएगा कि आपको वो ये काटते भी हैं और चबाते भी हैं। तो इनसे दिमाग में इमेज बना के आपको याद हो जाएगा कि काटने और चबाने वाले या बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के ग्रास ऊपर के अंदर एंड एक कॉकरोच के अंदर, ये दो के अंदर पाए जाते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब आगे वाले में चलते हैं। तो अब नेक्स्ट आएगा कि शकिंग टाइप, ये अलग से डिवाइड कर रखा है इसके अंदर, वैसे नॉर्मली वैसे पांचों लिखा देते हैं। अब शकिंग टाइप वाले में कौन से की जो चूसते हैं उनमें से कौन कौन से हैं ये पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि दूसरे शकिंग टाइप वाले में से फर्स्ट पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप। पियर्सिंग का मतलब होता है चुबाना और शकिंग का मतलब होता है चूसना। तो ये सामान्यतः पियर्सिंग और शकिंग टाइम हेमिपटेरॉइड्स में पाए जाते हैं और या बग्स वगैरह होती है उनके अंदर पाए जाते हैं ये पियर्सिंग और शकिंग।
और फ्रेंड्स इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको कि पियर्सिंग और शकिंग में से क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि पियर्सिंग और शकिंग के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि ये दो होता है, इसके अंदर स्टाइलेट के आधार पर यानी कि उसकी सूंड होती है उसके आधार पर बांटा गया है। तो जो फोर स्टाइलेट वाले होते हैं वो तो होते हैं बक्स, और जो सिक्स स्टाइलेट वाले होते हैं वो होते हैं मॉस्किटो, सिक्स स्टाइलेट, तो ये याद रखना। और आपको पता ही चल जाएगा मॉस्किटो किसे बोलते हैं, मच्छर को। मच्छर क्या करता है, अपने डंक चुबाता है और चूस लेता है। बक्स भी ऐसी आती है कि आती है, चुबाती है और चूसती है। इसी प्रकार से आपको कोरिलेट करके मच्छर से याद रख लेना, मच्छर और बक्स हो जाएगा। तो पियर्सिंग और शकिंग टाइप के, और ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट थी, वो चीज़ फ्रेंड्स याद रखना आप कि इसके अंदर जो फोर स्टाइलेट वाली होंगी वो तो बक्स होंगी और सिक्स स्टाइलेट वाली होगी मॉस्किटो होंगी। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप माउथ पार्ट है वे सिक्स स्टाइलेट किस में पाए जाते हैं, कि सिक्स स्टाइलेट वाले पियर्सिंग शकिंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, तो वो ओनली फॉर मॉस्किटो होगा, उसके अंदर बक्स नहीं आएगा। तो चलो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं इसके अंदर। चलो पियर्सिंग एंड शकिंग हो गया, अब इसके बाद में आता है ये रेस्पिंग एंड शकिंग टाइप। रेस्पिंग का मतलब होता है घिसना, अपन किसी भी चीज़ को रगड़ते नहीं है क्या, रेस्पिंग रगड़ना। और शकिंग मतलब कि उसको पहले तो घिसो और फिर चूसो उसमें। तो आपको दिमाग में बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जितने भी इंसेक्ट है उनमें से एक ही थ्रिप है ऐसी कि थ्रिप पहले तो घिसेगी, कुर्र कुर्र आवाज़ आती रहती है ना, कई बार बैठती है तो बाहर कीटो प्लांट्स वगैरह में, तो पहले तो बैठेगी, वो बैठेगी फिर घिसेगी उसको पत्तियों को, और फिर बाद में से उसके अंदर से शकिंग करती है। तो आपको याद आना चाहिए थ्रिप्स को देखते ही कि थ्रिप्स एकमात्र है कि जो पहले तो रगड़ती है और फिर चूसती है। तो रेस्पिंग और शकिंग हो जाएगा इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब इसके नीचे आता है, अब अपन इसको छोड़ देते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप को और सिपोइनिंग टाइप, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। अभी पहले बात कर लेते हैं इसकी, चेविंग एंड लेपिंग। तो चेविंग एंड लेपिंग से मतलब है चेविंग यानी चबाना, लेपिंग यानी चाटना। तो आपने पहले पढ़ा था बाइटिंग एंड चेविंग, वो तो काट रहे थे और फिर चबा रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पहले तो चबा रहे हैं और फिर उससे ही चाट रहे हैं। तो आपको हनी बी याद होगी कि हनी बी क्या होती है, कि उसके सूंड होती है तो वो एकदम डाल के उसको काट के और उसको चूसती है, ओनली रस रस को चूसती है, वैसे कुछ नहीं करती। तो इसके अंदर जो होंगे ना, तो एक तो हनी बी हो जाएगी और एक हो जाएगा वास्क। वास्क का मतलब होता है टाटिया, नहीं होता क्या टाटिया, आपने देखा होगा नाम सुना होगा। तो वास्क होता है और हनी बी होती है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, पहले तो चबाते हैं और फिर उसमें से चाट लेते हैं, जो उनका रस होता है उनको छाट लेते हैं। अब आते हैं अपन स्पॉन्जिंग और एक तो होता है स्पॉन्जिंग और एक होता है सिपोइनिंग, ये दोनों प्रकार के। अब इससे आपको याद रखना है कि जो स्पॉन्जिंग, अब इसके अंदर आप कोरिलेट कीजिए पी एच ओ एन, फोन सा दिख रहा है ना आपको पी एच ओ एन, तो उसको कोरिलेट कीजिए कि अपन फ़ोन को कहाँ पे लगाते हैं, माउथ के पास में लगाते हैं कान के पास में, तो उसे स्पॉन्जिंग तो माउथ के पास में हो जाएगा। तो ये कौन लगाती है ये फ़ोन, बटरफ्लाइज, ये बटरफ्लाई नहीं है ये फाइल्स है, ये दूसरे इंसेक्ट है, कहीं आओ फ्लाई पढ़ लो। तो इसके अंदर ये बटरफ्लाइज हैं, तो वो क्या करती है, ये फ़ोन को लगाती है, कहाँ पे लगाती है, कान को। और सिपॉइनिंग तो फ़ोन बीच के अंदर आ रहा है इसके अंदर, तो देखते ही याद आ जाना चाहिए। और अब एक आएगा स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जी मतलब कि झाड़ू के आकार का सा होता है, और झाड़ू कहाँ पे होती है, घर के अंदर है ना। तो उससे आपको रिलेट करके ये हाउस फ्लाई फाइल्स ये भी आप याद कर सकते हो। और फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी किसी चीज़ के अंदर
टॉपिक वगैरह चाहिए तो बता दिया करो फ्रेंड्स। एंड ये मेन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सरल वे के अंदर आपको सभी चीज़ें वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी, और बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझने में भी आसानी से आ जाएगा। और अगर इन किसी भी चीज़ की PDF वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।